is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD. Okay, NCERT का एक question है. ये देखिए, ये आपको एक parallelogram दिया हुआ है इस तरीके से A, B, C and D. Okay. And E is a point on side AD. AD को जब produce किया जाता है, तो E उस पर कोई point है. And BE intersect CD at F. Okay. ये देखिए, B को अगर आप E से join करते हैं, तो BE intersect करता है CD को F. Okay. Now you have to prove that कि triangle ABE. Okay. देखिए इधर A, B and E is similar to triangle CFB. CFB, okay. A, B, E is similar to C, F, B. हाँ भाई, तो कैसे करेंगे? फिर इसकी ट्रिक होगी AB upon CF equals to BE upon F. देखिए, हमको ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है. वन स्टेप पे कैसे देखिए हैं, ये वाला ट्रायंगल है वो इसके इक्वल है, तो वो भी हो सकता है. हमको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, वन इज इक्वल्स टू टू आ गया, दिस दिस इज इक्वल टू थ्री. ठीक है, थ्री इज इक्वल्स टू फोर. ऑल्टरनेट एंगल डाउट है. तीसरा जो अच्छा वो कौन बच्चा? ये वाला बच्चा. यस सर. ये किसके इक्वल बच्चा बताइए? कौन सा ट्राइंगल है ना? सी एफ बी. सी एफ बी. ओके, ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, एंगल एंगल से हो गया. कोई दिक्कत है इसमें? इसमें एक चीज हमने लगाई कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये ध्यान रखिएगा. तो ये आसान क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इसमें.